उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगदड़ के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब सावन के दूसरे सोमवार से श्रद्धालुओं को शंख द्वार से एंट्री दी जाएगी। सावन के पहले सोमवार को उमड़ी भारी भीड़ और व्यवस्था लड़खड़ाने के बाद अब प्रशासन ने प्रवेश की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। बुधवार को उज्जैन के अधिकारियों ने मंदिर क्षेत्र का दौरा किया। यहां कुछ निर्णय लिए गए जिसमें अब श्रद्धालु शंख द्वार से प्रवेश करेंगे। इसमें एक गेट शीघ्र दर्शन 250 रुपए की टिकट खरीद कर आने वाले के लिए होगा। वहीं दूसरा गेट आम श्रद्धालुओं के लिए होगा जो ऑनलाइन प्री बुकिंग करा कर दर्शन करने आएंगे। इससे महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दो लाइन हो जाएंगी और भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं होगी। नए प्लान के अनुसार अब शंख द्वार से श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। यहां से भक्त फैसिलिटी सेंटर होते हुए गेट नंबर 6 पर पहुंचेंगे। इसके बाद कार्तिकीय मंडपम होते हुए महाकाल मंदिर के गणेश मंडपम के बैरिकेटिंग में जाकर दर्शन कर सकेंगे। नया एक और प्रवेश द्वार खुलने से भीड़ नियंत्रण करना आसान होगा और बीते सोमवार जैसी स्थिति नहीं बनेगी। निश्चित ही जैसा कोविड की जो परिस्थितियां उसके अनुरूप जो गाइडलाइन तय हुई थी और उसमें उस पहले सोमवार में कुछ भीड़ ज्यादा हुई थी और उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने जो महाशिवरात्रि के दौरान जो व्यवस्था लगी थी, जो लगभग हमने 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन कराया था, उसी अनुरूप व्यवस्था रहेगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ आसपास चल रही थी जिसके कारण हमारी कुछ लिमिटेशन उसको भी दूर कर लिया गया है। अब महाकाल बाबा के मंदिर में जो शंख द्वार है जहाँ सामान्य जन पहले भी प्रवेश पाते थे वहीं से प्रवेश पाकर दर्शन करेंगे और जो निर्गम द्वार है उससे वापस आएंगे। इसके अलावा जो पुजारी हैं, पंडे हैं जो जाते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था रखी गई है और आपके सम्मानित मीडिया सके साथियों के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जा रही है जैसा पहला महाशिवरात्रि में बनाई गई थी। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल के दर्शन हैं उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था बनाई। इस तरह से पूरी जो व्यवस्था महाशिवरात्रि के दौरान लगाई गई थी उसी व्यवस्था को हम लगा रहे हैं और स्मूथली दर्शन हो इसकी पूरी व्यवस्था इंतजाम किया जा रहा है। मंदिर में सोमवार को अनुमान से ज्यादा श्रद्धालु आने के बाद दो बार बैरिकेटिंग तोड़कर श्रद्धालुओं ने मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश की थी। इससे महिलाएं एवं बच्चे गिरकर नीचे दब गए थे। सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा होते होते बचा। उस घटना से सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने सावन के दूसरे सोमवार के लिए महाशिवरात्रि जैसा नया प्लान तैयार किया है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।